शामी कबाब बनाने के लिए बोनलेस मटन आधा किलो ली हूँ। प्याज आधी प्याज कट करके रखी हूँ, एक इंच अदरक, एक मुट्ठी भर लहसुन, तीन सूखी लाल मिर्चें, पांच लौंग, तीन इलायची, दो छोटे दालचीनी के टुकड़े, एक टीस्पून धनिया, 10 से 12 काली मिर्च, एक छोटा तेज पत्ता। एक कुकर रख के इसमें मटन कुकर में गोश्त ऐड कर ली हूँ मैं। अभी इसमें ये सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। इसमें एक आधा टीस्पून नमक, अपने हिसाब से नमक आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मिर्ची पाउडर आधा टीस्पून ऐड कर लेंगे दोस्तों। मिर्ची पाउडर ऐड करने के बाद पानी एक आधा गिलास ऐड करके गोश्त को ढक्कन लगा के कम से कम 4 से 5 विजल आने के बाद कुकर का ढक्कन निकाल चुकी हूँ मैं। अभी इसमें चने की दाल ऐड कर लेंगे। 100 ग्राम चने की दाल है, इसको ऐड कर लेंगे। आधा घंटा पहले धो के भिगा के रखी थी इसको मैं, तो इसमें ऐड कर रही हूँ दोस्तों। पहले से ऐड करने से चने की दाल अच्छे से गल जाएगी ना, इसलिए इसको लास्ट में ऐड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें ऐड कर चुकी हूँ ढक्कन लगा कुकर का, और उसमें निकाल चुकी हूँ ढक्कन। इसका तेज पत्ता हटा देंगे। इसमें जितना भी पानी है सूखे तक इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे दोस्तों। अभी अच्छे से इसमें पानी सूख गया है, फ्लेम बंद करके इसको ठंडा होने देंगे दोस्तों। ये अभी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको जार में डाल के पीस लेंगे। देखिए अच्छे से इस तरह से पीस ली हूँ सारा में। देखिए दोस्तों, इसमें आधा प्याज, दो हरी मिर्चें, थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा पुदीना बारीक चॉप करके ऐड कर लेंगे दोस्तों, और आधा नींबू भी ऐड कर लेंगे इसमें, आधा नींबू का रस। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने बॉल बना के इसके टिकिया बना लेंगे दोस्तों। सारे टिकिया इस तरह से बना के रख ली हूँ मैं। अभी इसको आलू फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा तेल ऐड कर लेंगे, फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ मैं पैन रख के। इसको गर्म होने देंगे, चुका है मीडियम फ्लेम रख के एक एक टिकिया इसमें डाल लेंगे। ठीक है, 5 मिनट एक साइड में तलने के बाद मीडियम फ्लेम में दूसरी तरह से पलट के इसको भी इसी तरह से पलट के 5 से 6 मिनट तल लेंगे। मीडियम फ्लेम में इसको भी 5 से 6 मिनट तल लेंगे दोस्तों। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गए हैं ये। इस तरह से पलट के सारे हम इसी तरह से तल लेंगे दोस्तों। इसको निकाल देंगे, अभी जितने भी बचे हैं इसी तरह से तल लेंगे। देखिए दोस्तों, बन के तैयार है, मैं सर्व कर चुकी हूँ। अब भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।